नमस्कार दोस्तों, आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से क्लैरिफिकेशन दी गई है और ये क्लैरिफिकेशन दी है रिलेटेड टू ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था और वो डिसीजन था रिलेटेड टू द एक्विजिशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया। और उस पर क्लैरिफाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये किया है कि जो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, शॉर्ट में आप ओसीआई के नाम से उनको जानते हैं, जो ओसीआईज हैं वो यहाँ पर इंडिया में अगर किसी भी तरह की इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना या फिर सेल करना चाहते हैं या एक्वायर करना चाहते हैं, तो उनको किसी भी तरह की प्रायर परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। ये आरबीआई की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई है। अब यहाँ पर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना कि आखिरकार ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया होते कौन है, कौन है ये ओसीआई, किनको ये ओसीआई कहा जा सकता है। देखो, ओसीआई कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि आज की डेट में फॉरेन नेशनल्स हैं, फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, वहां का उनके पास पासपोर्ट है, मगर वो इंडिया में कभी ना कभी सिटीजन रहे हैं 26 जनवरी 1950 के बाद, या फिर वो 15 अगस्त 1947 के बाद ऐसी जगह रहे हैं जो इंडिया का बाद में पार्ट बन चुका था, ठीक है, या फिर जो भी ऐसे लोग जो बाद में रहे हैं सिटीजन और उनके जो बच्चे हैं या फिर उनके ग्रैंड चाइल्ड हैं या फिर उनके ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हैं जो आज की डेट में फॉरेन नेशनल हैं, वो यहाँ पर इंडिया में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओसीए कार्ड होल्डर इनको कहा जाता है। अब ये ओसीए जो कार्ड होल्डर हैं, इन्हीं से रिलेटेड ये क्लैरिफिकेशन आया कि कोई भी फॉरेन नेशनल जो मैंने अभी आपको बताया कि ओसीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये सारे के सारे लोग। यहाँ पर एक और चीज़ है देखने वाली कि जो ओसीआई है, आखिरकार उनको इस तरह की सर्विसेज या ओसीए कार्ड उनको लेना क्यों सही रहेगा या फिर क्या बेनिफिट है उसके, आखिरकार कौन फॉरेन नेशनल ओसीआई इंडिया का कार्ड लेना चाहेगा। इसलिए अगर वो इंडिया में मल्टीपल टाइम आता है, आता जाता रहता है, तो उसको बार बार वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप ओसीए कार्ड होल्डर हैं तो इंडिया में आने जाने के लिए आपको मल्टीपल वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और आपको यहाँ पर अगर लंबे टाइम तक रहना है तो आपको किसी भी तरह के पुलिस वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। सो ये हुआ ओसीए के बारे में और इसी से जुड़ी ये आज की खबर थी। उम्मीद करता हूँ ये सेशन पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देगा। इसी तरह की शॉर्ट वीडियोज़ के लिए इस चैनल पर बने रहिए। अन अकेडमी में मुझे फॉलो करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कीजिए आज ही अन अकेडमी को, अन अकेडमी प्लस सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे साथ बहुत सारे एजुकेटर्स जो हैं उनके साथ मिलकर बैंक एग्जाम की तैयारी कर सकें। क्लिक कीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एनरोल कीजिए, क्लासेस को देखिए।